मेरे दादा ने घर चिणिया गांव का चूने ईटर गा रहा मैं। मेरे बाबू की ड्यूटी लागी थी कसी गेल तगारा में। उस कड़िया आले घर की यारो न्यारी रौनक थी। उस कड़िया आले घर की यारो न्यारी सीलक थी। इब सेक्टर आली कोठी में भी नहीं लागता जी। मेरा सेक्टर आली कोठी में भी नहीं लागता जी। मित्तल साहब, आप लोग जमीन से जुड़े हुए आदमी हो, इसीलिए सुना रहा हूं और बड़ा मन से सुन रहे हो आप। माँ जब चाकी पीसया करती हाथ बटाया करता मैं। हालांकि बच्चे से चाकी पीसी नहीं जा सकती, लेकिन अपने दिन याद करो, जब आपकी माँ चाकी पीसया करती आप गेल लाग लिया करते। और माँ कितनी पवित्र होती है, उसे पता होता है कि बच्चा नहीं फेरवाएगा, फिर भी अच्छा बेटा और ज्यादा अंगा लाओगी ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए। माँ जब चाकी पीसया करती हाथ बटाया करता मैं, फेरया करता भाई गंडा से गहरे लाया करता मैं। खोर में लुक जाते थे दादी गाल बक्या करती। ए ढेड़ गाने क्यों कर बांधू की खोर में पड़ गया। इब सेक्टर आली कोठी में मेरा नहीं लागता जी। लामणिया में सबकी ड्यूटी लाग गया करती खेता में। बेटा आप तो कभी खेत में लामणी नहीं की होगी, कोई बात नहीं। लामणिया में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हरियाणा में लोग पैदा हुए हैं, अपने बच्चों को गांव जरूर दिखाना, गांव की मिट्टी से जरूर एक बार। अधिक पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, ना ज्यादा रोया कर रोने से छाती बैठ जाती है। अधिक पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, ना ज्यादा रोया कर रोने से छाती बैठ जाती है। और वो भी दिन थे जब छतों पे नंगे बदन खेलते थे, और ये भी दिन है जब छाती में सर्दी बैठ जाती है। लामणिया में सबकी ड्यूटी लग गया करती खेता में। लत्ते मारे धस जाते थे सारे बालू रेता में। फिर कुएं पहना के खाते थे रोटी धर के घी। गरीब सेक्टर वाली कोठी में मेरा नहीं लागता जी। उस टाइम की तख्ती किस किसने पोती, हाथ उठाओ एक बार प्लीज। तख्ती, आहा क्या बात है, वाह वाह जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। तख्ती पोती सत्तर मारे खूब बनाई स्याही रही। सत्तर मारा करते रात ने बैठ। तख्ती पोती सत्तर मारे, बेटा सत्तर लाइन को बोलते हैं, टू स्केच लाइन इट्स कॉल्ड सत्तर। तख्ती पोती सत्तर मारे खूब बनाई शाही रे। डंडे खाए मास्टर के फिर जाके आई पढ़ाई रे। मेरी तख्ती रो वे पोत मने, इब तख्ती रो वे पोत मने। चावला साहब, मेरी तख्ती रो वे पोत मने, ल्या मुल्तानी माटी। मेरा सेक्टर आली कोठी में भी नहीं लागता जी। इब सेक्टर आली कोठी में भी नहीं